Hi everyone, welcome to this YouTube channel. This is going to be a very good video where I'm discussing how our strategies are beating the benchmark. So you guys have seen me posting various video on algo trading on my YouTube channel since last 2 years, where I'm posting about algo trading, their performance report, how you can create algo strategies. So इस particular video में मैं अपना एक combo discuss करूँगा, एक algo strategy discuss करूँगा जो मैं 2023 से यूज़ कर रहा हूँ और उसने बेंचमार्क के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म किया है. सो बेंचमार्क कुड बी एन इंडेक्स और अ पर्टिकुलर टारगेट जो आप मंथली टारगेट करते हो. सो मैंने इस वीडियो में निफ्टी 50 को बेंचमार्क लिया है. अदरवाइज आप एक रिटर्न टारगेट भी बेंचमार्क के तौर पे ले सकते हैं. यहाँ पे मैंने निफ्टी को बेंचमार्क लिया है और ये जो कॉम्बो है ये मास्टर्स कॉम्बो है. आप में से बहुत सारे लोगों को मास्टर्स कॉम्बो के बारे में ऑलरेडी पता होगा. मैंने बहुत सारी वीडियो पोस्ट करी है मास्टर्स कॉम्बो के रिलेटेड. सो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बो है इसको मैं जनवरी 2023 से यूज़ कर रहा हूँ. इसकी मेरे पास उस टाइम से अभी तक की लाइव रिपोर्ट है. वी आर ऑल्सो हैविंग अ वेरीफाइड PNL ऑफ दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम जनवरी ऑफ 2024 क्योंकि वो ऑप्शन उसी टाइम से अवेलेबल हुआ था. बाकी इसकी लाइव रिपोर्ट विद डेली PNL के साथ हमने इसकी लाइव रिपोर्ट बनाई है और मैंने निफ्टी की मंथली परफॉर्मेंस निकाली है और इसकी मंथली परफॉर्मेंस निकाली है जैसा कि इस शीट में आप देख सकते हैं. सो ये मास्टर्स कॉम्बो की पर्टिकुलर शीट है जहाँ पे इसने मंथली कितना रिटर्न जनरेट किया है वो यहाँ पे लिख रखा है. मैं थोड़ा मास्टर्स कॉम्बो को डिफाइन करूँ तो हमको ये इसमें इस कॉम्बो में 3 स्ट्रैटेजीज होती है जैसा कि आपको पता है, फिन मास्टर, बैंक मास्टर एंड निफ्टी मास्टर. इसमें अराउंड कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 लाख का लगता है. इसमें हेजेस इनबिल्ट है और इस स्ट्रैटेजी के साथ हम क्रूड की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं. सो क्रूड में ऐसा होता है कि क्रूड की एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रखी है, वो भी पूरी एल्गो है जो आफ्टर मार्केट डिप्लॉय होती है. तो जैसे ही 3:30 तक इस स्ट्रैटेजी का काम हो जाता है तो उसके बाद में क्रूड स्ट्रैटेजी डिप्लॉय होती है. तो मैं लास्ट 1 ईयर से इस स्ट्रैटेजी को क्रूड के साथ यूज़ कर रहा हूँ. तो उससे होता ही हुआ है कि जो हमारा 5.5 लाख का कैपिटल है वो सेम टू सेम मार्जिन क्रूड में रीयूज़ हो जाता है. तो हम उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं. वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो चीज़ वर्क करती है. तो इसमें एक स्ट्रैटेजी 2 दिन वर्क करती है जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिन मास्टर है वो मंडे ट्यूसडे को वर्क करता है, बैंक निफ्टी मास्टर ट्यूसडे वेंसडे को वर्क करता है, निफ्टी मास्टर्स वेंसडे थर्सडे को वर्क करता है. तो थर्सडे और मंडे को 1-1 काउंटर होता है, बाकी दिन 2-2 काउंटर होते हैं. और ये स्ट्रैटेजी फ्राइडे को वर्क नहीं करती है बट इसको हमने ऑप्टिमाइज करके फ्राइडे के लिए भी थोड़ा सा इनेबल किया है जिससे हम हमारी जो कैपिटल है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें. तो ये इसका डेली फिगर है. यहाँ पर डेली PNL में अपडेट करता हूँ. आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, वहाँ पर डेली PNL रहता है. तो जैसे ये मार्च अभी क्लोज हो चुका है, आज 30 मार्च है. तो मार्च का जो रिटर्न निकला है वो अराउंड 6.66% निकला है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है. अभी इसको हम बेंचमार्क से जब कंपेयर करेंगे तब भी हम देखेंगे कि इसने कितना एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है. और सिमिलरली यहाँ पे ये जो फैप का PNL है 4.74%, फिर 7.82% जनवरी में इस स्ट्रैटेजी ने दोनों साल में अच्छा परफॉर्म किया है. तो ये इसकी मंथली परफॉर्मेंस है, यहाँ से आप देख सकते हैं. और ये इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न है, मतलब इसको इसके साथ टोटल करते जा रहे हैं. तो पहले 7 फिर 4.88 तो इन दोनों को प्लस करके 11.88 आया है. सिमिलरली एक क्यूमुलेटिव रिटर्न है. तो स्ट्रैटेजी ने पूरे साल ग्रीन में क्लोज किया है, ये इसकी एक स्पेशलिटी है. और एकदम डिफिकल्ट मंथ आया था, एक अक्टूबर का था जहाँ पे 0.93% इसने रिटर्न निकाला था एंड दिसंबर में 1% निकाला था. बाकी आप देख सकते हैं जनवरी में 7% था और इस बार का जो जनवरी है 24 का उसमें 7.82% निकला है जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग हो गया है इसका. साथ इस शीट में मैंने इसको बेंचमार्क से कंपेयर किया है क्योंकि हम इसको क्रूड के साथ यूज़ करते हैं. क्रूड का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा निकला है, वो 1-2% निकालने में हेल्प करता है. क्रूड को हमने अक्टूबर के बाद से नवंबर से हमने इसको ऑप्टिमाइज़ किया है जहाँ पे हमने इसके जो लॉस मेकिंग डेज थे उसको ट्राई किया है स्टैटिस्टिकली दूर करने को. तो यहाँ पे जो क्रूड के वर्किंग डेज है वो नवंबर के बाद से कम हो गए हैं. तो उससे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा रिटर्न में फ़र्क आया है. पहले क्रूड हर दिन चलती थी, अब हर दिन नहीं चलती है. 7-8 डेज हम इसको बंद करके रखते हैं, पॉज करके रखते हैं जिससे इसका थोड़ा सा रिटर्न कम हुआ है बट उसमें ड्रॉडाउन में भी काफ़ी हेल्प हुई है. तो ये मास्टर्स कॉम्बो का रिटर्न है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बी वाली कॉलम में ये क्रूड का रिटर्न है. तो इन दोनों का मैंने टोटल कर लिया है, क्योंकि सेम ही कैपिटल होती है जो दोनों में यूज होती है। तो मास्टर्स कॉम्बो में यहाँ पे मैंने 6.66% जो मार्च का निकला है वो यहाँ पे लिख लिया है, वो क्रूड का रेट यहाँ पे लिख लिया है। इन दोनों को मैंने टोटल कर लिया है यहाँ पे, और उन दोनों को टोटल करके इनका क्यूमुलेटिव रिटर्न यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये जो 9.23 था इसमें 6.98 प्लस होके 16.21 हो गया है, फिर 4.81 प्लस होके 21.02 हो गया है। तो इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न निकाल लिया है हमने, जिससे हमें ग्राफ बना पाए। और यहाँ पे मैंने निफ्टी का रिटर्न ले लिया है, मंथली रिटर्न मैंने गूगल से निकाल के यहाँ पे निफ्टी का मंथली रिटर्न ले लिया है। आप देख सकते हैं निफ्टी ने दिसंबर 2023 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 7.94%। बाकी इसमें किसी दिन किसी मंथ नेगेटिव भी क्लोज हुई थी, किसी मंथ अच्छा परफॉर्म किया है। और ये जो बुलिश ईयर था 2023 का, इसमें निफ्टी ने वैसे भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे उसका आप डेटा देख सकते हैं, और निफ्टी का मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिजल्ट निकाल लिया है। अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ। सो ये जो रेड लाइन है ये निफ्टी का रिटर्न है, और ये हमारे कॉम्बो का रिटर्न है। कॉम्बो का रिटर्न 1 ईयर एंड 3 मंथ्स में, 1 साल और 3 महीने मिला के इसमें 100% टच होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो जो कॉम्बो है वो 100% रीच कर चुका है। और जो निफ्टी का रिटर्न है 15 मंथ से, इसमें उसमें निफ्टी का रिटर्न आया है 21.78%, और जो हमारे कॉम्बो का 15 मंथ का रिजल्ट आया है वो आया है क्लोज टू 100%। सो 100 डिवाइड बाई 15 वो आया है 6.66% मंथली एवरेज रिटर्न, जहाँ पे मैंने 100 को 15 से डिवाइड किया है। और अगर मैं सेम निफ्टी का निकालूँ सो वो आया है अराउंड 1.45% एवरेज रिटर्न। यहाँ पे लिख देते हैं ये निफ्टी का है, और 6.66 हमारे कॉम्बो का रिजल्ट है। सो हमने निफ्टी को ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बीट किया है। मतलब निफ्टी का जो रिटर्न है उससे हमने 4x रिटर्न कमाया है हमारे कॉम्बो में। ऑब्वियसली हमारे कॉम्बो में थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा है, बट उसका हमको रिवॉर्ड भी देखने को मिला है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि निफ्टी एक प्रॉपर बेंचमार्क नहीं है, बट मैंने इसको जस्ट निफ्टी से कंपेयर किया है। सपोज आप मंथली 3% टारगेट करते हो तो आपका बेंचमार्क 3% हो गया, तो 3 से भी हमने 2x रिटर्न जनरेट किया है, 6.66%। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। हमारे और भी कॉम्बोज है, जैसे एक्सपायरी स्पेशल है, उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगर एक लो रिस्क सेटअप की बात करें जिसमें स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है, क्योंकि मास्टर्स कॉम्बो में ऐसा है कि जो पर डे की रिस्क है पर स्ट्रैटेजी वो 3000 रुपीज़ है, और बैंक निफ्टी वाले में तो 2500 है। तो सपोज हमारा एक दिन स्टॉप लॉस जाता भी है तो वो भी हमारा 3000 पर स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाएगा। मतलब अगर 2 स्ट्रैटेजीज एक दिन रन हो रही तो 6000 रुपीज़ का एसएल है। और अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो 5000 रुपीज़ का टारगेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 जनवरी को दोनों टारगेट हिट हो गए, विच इज़ 10K अ डे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने एक दिन 5K हिट किया, और उसी साथ वाले काउंटर ने 2500 का बुक किया। सो जनवरी का लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रहा था। अगर हम थोड़ा स्टैट्स भी देखें, 23,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इसने जनरेट किया था, अराउंड 4% तो आखिरी वीक में ही आ गया था। अब ऐसा नहीं है इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती है। अब आप देखोगे अगर अक्टूबर का मंथ तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी, बट हमने उसको भी एक कंसिस्टेंटली रन करके उसको भी हमने फेस किया था। सिमिलरली दिसंबर में थोड़ा सा ड्रॉडाउन आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट वो भी हमने कंसिस्टेंटली डिप्लॉय किया। तो जो जनवरी का फर्स्ट वीक आया हमको, उसी में हमको हमारा दिसंबर की रिकवरी मिल गई। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेज है कि आप जो भी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करेंगे उसको आपको कंसिस्टेंटली डिप्लॉय करना है, जिससे आप एक ओवरऑल रिजल्ट देख पाए। क्योंकि यहाँ पे जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ ये 15th मंथ का है, तो वैसी कंसिस्टेंसी एल्गो में भी रिक्वायर्ड है। अगर आप कोई सा ड्रॉडाउन पीरियड देख के पीछे हट जाते हैं तो आगे जो हमको बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलेगा नहीं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉडाउन आया है, बट उसके ही अगले वीक हमको यहाँ पे पूरी रिकवरी मिल गई है। सो मार्केट है, प्रॉफिट लॉस होगा, बट हमको ओवरऑल प्लस में रहना है। इस शीट का जो लिंक है, ये जो शीट है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप PNL ट्रैकर आप डिस्क्रिप्शन में अभी जस्ट खोलेंगे तो आपको PNL ट्रैकर मिल जाएगा। और आपको अगर ये एल्गो ज्वाइन करना है, जो मास्टर्स कॉम्बो और क्रूड डायनेमिक्स का एल्गो ज्वाइन करना है, तो ये लिंक है Razorpay की, यहाँ से आप स्ट्रैटेजी को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंस ये हमारा एक टॉप परफॉर्मिंग कॉम्बो है तो ये सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। सो आप Razorpay की लिंक पे क्लिक करके यहाँ से इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें आपको पेमेंट करने के बाद ये जो स्ट्रैटेजीज की लिंक है, चारों स्ट्रैटेजीज की मैंने लिंक पेस्ट कर दी है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपको सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, सो आफ्टर पेमेंट जब आप सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजीज अप्रूव हो जाएगी और आप उसको माय स्ट्रेटजीज में देख पाओगे। और अगर किसी को कुछ क्वेरी आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है या फिर आप टेलीग्राम पे आकर डीएम कर सकते हैं। सो ये चार लिंक्स है स्ट्रेटजीज की जो मैंने यहाँ पे ये कॉम्बो डिस्कस किया है और इस जो इसकी शीट बनाई है यहाँ पे। सो जिसमें ये मास्टर्स में तीन स्ट्रेटजीज आ जाएगी, ये तीन स्ट्रेटजीज की लिंक है और एक रूट डायनेमिक्स की अलग से लिंक डाल रखी है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे आप सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे अपने एंड से इसको अप्रूव कर देंगे जिससे आप इसको यूज़ कर पाओगे। अब जैसे कि नया मंथ स्टार्ट होने वाला है अप्रैल 1 तारीख से, तो आप इस स्ट्रैटेजी को इस कॉम्बो को क्रू डायनेमिक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और पूरे मंथ डिप्लॉय करेंगे तो आप खुद जानेंगे कि स्ट्रैटेजीज कैसा परफॉर्म कर रही है। ये मैंने यहाँ पे लाइव ऑप्शन रख रखा है और इसका जो वेरीफाइड PNL है वो 2024 के स्टार्टिंग से अवेलेबल है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वेरीफाइड PNL कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने मार्च का परफॉर्मेंस खोल रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का मैंने परफॉर्मेंस खोल रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सारी स्ट्रेटजीज जिसमें मैं थोड़े एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजीज पर भी काम करता हूँ, तो सब मिला के मेरा यहाँ पे इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखो, सो ये मास्टर्स कॉम्बो की तीन स्ट्रेटजीज तो ये रही जो अपन डिप्लॉय करने वाले हैं और ये क्रूड डायनेमिक्स की स्ट्रेटजी ये रही। यहाँ से ये जो PNL है 5000 ये जो भी है यहाँ पे मैंने शीट में अपडेट कर रखा है ऑलरेडी 1% के ग्लोस। सो मैंने क्रूड का परफॉर्मेंस भी यहीं से निकाल के यहाँ पे नोट कर रखा है। तो ये इस मंथ का था। आप देख सकते हैं हम निफ्टी मास्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि इस कॉम्बो में 3 स्ट्रेटजीज है। तो इस बार की बैंक निफ्टी वाली टॉप रही है, 20,000 तो सिर्फ बैंक निफ्टी वाली ने ही निकाल दिया है। बट हम तीनों स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करती है, कभी कौन से मंथ कौन सा इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 52,736। अब मैं इसी चीज़ का वेरीफाइड PNL दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52,728, थोड़ा सा डिफरेंस चलता है बट सेम हमको यहाँ पे वेरीफाइड PNL में देखने को मिल रहा है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं। ये देखो आप कमोडिटीज़ का देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे क्रूड का रिजल्ट दिखाया था 5610 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5610। सो ये वेरीफाइड PNL है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ट्रेड्स भी दे रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे FNO का रिजल्ट भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप देख सकते हैं। ये फ्रॉम द स्टार्ट है, वो सिर्फ मार्च मंथ का था, ये फ्रॉम द स्टार्ट है। जब से हमने इस ब्रोकर में स्विच किया है तब से लेकर अब तक का ये है रिजल्ट। सो आप देख सकते हैं कि ये मैच करता है और स्ट्रैटेजीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप इस लिंक से इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी है, अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे मैं कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करूँगा कि आप कैसे कस्टमाइज्ड अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे डेराइव ट्रेडिंग के, जहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजीज कैसा परफॉर्म करती है। ये कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजीज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। अदरवाइज मैंने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल रखी है। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के लिंक भी यहाँ से है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PNL ट्रैकर भी यहीं से है। अगर आपको एल्गो ज्वाइन करना है तो उसके लिंक भी यहीं से है। सो या दिस वाज द वीडियो ऑन अवर कॉम्बो मास्टर्स कॉम्बो प्लस क्रूड डायनेमिक्स, कैसे उसने अच्छा परफॉर्म किया है पूरे 15 मंथ्स में, कैसे और जो बेंचमार्क था उसको बीट किया है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। सो या दिस वाज द रिजल्ट। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर।